नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीटिंग की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि ये जो आयोजन है वो ICSSR में किया गया और पर्यावरण प्रौद्योगिक उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की है। तो सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर की सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए इस फील्ड के सभी विशेषज्ञगण, शोध छात्र और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी यहां के छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, महाविद्यालय परिवार को मैं एक समसामयिक विषय को लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दिया है जो पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास। पर्यावरण है क्या, किसको हम पर्यावरण कहते हैं? पर्यावरण जल, भूमि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब का जो समन्वित रूप है यही पर्यावरण है। अगर इसका अस्तित्व ही संकट में होगा, याद करिए, भूमि रहने लायक न रहे, जल पीने लायक न रहे, धरती में जीव और जंतु ये दोनों अस्तित्व संकट में आ जाए तो फिर उस प्रौद्योगिकी का या उस विकास का हमारे जीवन में क्या महत्व होगा। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यह राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो एक महाविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की जा रही है और जिस संगोष्ठी के माध्यम से लोग इस पर अपने स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं। अक्सर होता है हम इन सभी मुद्दों को सरकार के भरोसे छोड़ते हैं या संस्थाओं के भरोसे छोड़ते हैं, ऐसे ही जैसे कूड़ा प्रबंधन, शहरी क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी हमें मान लेते हैं तो नगर निकाय की जिम्मेदारी है और हम बड़ी आसानी से अपने घर के कूड़े को निकाल के समझते या नाली में फेंकते हैं, जबकि ये नागरिक जिम्मेदारी ज्यादा है किसी नगर निकाय से। और नगर निकाय अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नागरिकों को भी इसके प्रति जोड़ ले तो आंदोलन सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का योगदान कैसे हो सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल मैं गाजियाबाद गया था, दिल्ली में गया था, परसों उच्चतम न्यायालय ने एक 5-6 राज्यों को नोटिस जारी की और नोटिस जारी करते समय पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, जो ये धुंध है, दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था
जैसे मैं उससे उतरा देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी, तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल ये धुआं भी है इसके साथ, डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है, ये पॉल्यूशन है। फिर मैंने कहा भी मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भी थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था, और जैसे ही हवा का छोटा वहां से चला दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि हमने विकास तो किया लेकिन उस विकास के अनुरूप तकनीक हमने विकसित नहीं की। जैसे अगर हमने कंबाइन मशीन दी, अगर कंबाइन मशीन के साथ पराली का उपयोग नहीं हो रहा है, उसके साथ हम एक रैपर भी साथ में लगा देते जो उस पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसी खेत में बिखेर देते, और जब खेत की जुताई होती उसी के साथ वह मिक्सअप होता है, एक पानी डालते तो वह एक ग्रीन कंपोस्ट उस खेत को प्राप्त होता, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता था। लेकिन वो क्या रहा है, आग लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ रहा है और साथ साथ पर्यावरण के लिए जो एक खतरनाक जहरीली गैस पैदा करके, जहरीली धुआं पैदा करके पूरी तरीके से जैसे ही हवा का दबाव कम होगा तो पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में लेकर के वहां पे उसको एक गैस चैम्बर के रूप में बदल दे रही है, और पूरा क्षेत्र श्वास लेना वहां पे जो दमे के रोगी हैं या जिन लोगों पे इस प्रकार की समस्या, जो किसी न किसी श्वास से संबंधित किसी बीमारी की चपेट में है, उन लोगों के लिए वहां पे रहना कठिन हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो आपको ले चलते हैं रीवा, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे, एमपी के रीवा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कांग्रेस पर लगाए हैं कई आरोप, तो चलिए आप भी इसको सुनाते हैं। इस विशाल चुनाव की जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मुझे लंबे समय से काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे श्यामलाल द्विवेदी जी, हमारे प्रत्याशी नौजवान और युवा प्रत्याशी हमारे सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, जिला प्रभारी शशांक श्रीवास्तव जी, जिला मंत्री श्रीमती मीनाक्षी केशरवानी जी, रमेश गर्ग जी, अनिल तिवारी जी, यहां उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित मेरे वरिष्ठ साथी, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में चौथर में आप सब लोगों के साथ चर्चा करने का भी और आपके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। जो मैं संख्या देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग एकत्र आए हैं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं युवा साथियों का भी उमंग देख रहा हूं, वह बताता है कि आप लोगों ने सिद्धार्थ तिवारी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, यह उसमें से स्पष्ट होता है। मित्रों, ये चुनाव की बेला है, आपको अपने अगले 5 साल के लिए
आपके हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन पार्टी कर सकती है, कौन आपको मजबूती दे सकती है, ये इसके निर्णय करने की घड़ी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव में इस आधार पर वोट मत देना कि ये मेरा नजदीकी है, ये मेरे जाति का है, ये मेरे इलाके का है, ये मेरी भाषा बोलता है। इन आधारों पर चुनाव में वोट नहीं दिए जाते। वोट देने का अधिकार होना चाहिए कि कौन आपकी 5 साल तक रक्षा करके आपको विकास के साथ जोड़ सकता है, ये आपका आधार है। और जब मैं ये बोलता हूं तो मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि आज अगर आपने यहां से लोकसभा में जनार्दन जी को भेजा है, आज अगर आपने मध्य प्रदेश से लोकसभा में कमल खिलाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने मजबूती पकड़ी है और देश आगे बढ़ा है, ये बात हम कह सकते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति में से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर गुमराह करके। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कबीर धाम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारी प्रत्याशी बहन भावना बोहरा जी, भावना बहन आगे आइए, और जो अपने बेटे के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे साजा के हमारे प्रत्याशी भाई ईश्वर साहू जी मंच पर उपस्थित, राणा रणधीर सिंह जी हमारे लोकप्रिय सांसद, श्रीमान संतोष पांडे जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री अशोक साहू जी, सियाराम साहू जी, मोतीराम चंद्रवंशी जी, रामकुमार भट्ट जी, ठाकुर रघुराज सिंह जी, योगी अग्रवाल जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मौजूद सभी भाइयों बहनों को जय बूढ़ा देव करकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। ये बाबा गुरु घासीदास की धरती, शीतला माता की धरती और राम के नैनिहाल की धरती है। इस धरती पर प्रभु श्री राम को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज देश के सबसे पहले परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा का शहीद दिन है। मेजर सोमनाथ शर्मा को भी मन से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब अपना वोट डालने जाए तब किसी एमएलए को चुनने के लिए, किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिए। आपका वोट भावना बहन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है, आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट, आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट, और भुवनेश्वर साहू जैसे
कई छत्तीसगढ़ के युवा या तो अपनी जान गंवाए हैं या अपना भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ा दी। इन सबके भविष्य को संवारने के लिए आपका वोट आदिवासी बहुल एक क्षेत्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र को नक्सलवाद को समाप्त करकर विकसित क्षेत्र बनाने के लिए आपका वोट है। और आपका वोट पिछड़ा समाज से भरे हुए पूरे क्षेत्र को, मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है वो विकास यात्रा ये मुख्यमंत्री बघेल रोक कर बैठे हैं। मोदी जी विकास करना चाहते हैं, ये बाधा हटाने के लिए आपका वोट है। माताओं भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पंडरिया से हमारी बहन भावना बोहरा को टिकट दिया है। पंडरिया में भावना बहन न केवल जिला पंचायत की सदस्य है, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए काम करती है। इस सरकार के तुष्टिकरण की वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज का रक्षा करने का काम भी बहन भावना बहन करती है। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट कराकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी देना, और कबीरधाम जिला पंचायत में हर गांव में विकास के कामों को रफ्तार देने का काम कर रही। मैं आज आपको यहां विनंती करने आया हूं कि भावना बहन को कबीरधाम से बाहर निकालकर पूरे पंडरिया का विकास करने का मौका आप दीजिए, ये मैं यहां विनंती करने आया। ईश्वर साहू जी हैं, ईश्वर साहू जी को जब मैंने संदेश भेजा वो ना बोलते थे, मुझे नहीं लड़ना है, मेरा स्वभाव नहीं है राजनीति। हमने ईश्वर साहू जी को आग्रह किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा, लड़कर समग्र छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर के साथ जो अन्याय हुआ। तो वहीं बलिया को मिली करोड़ों की सौगात। आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह सौगात दी है और साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। शुरुआत को अगर किसी ने किया था तो आपके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उसको नेतृत्व प्रदान किया था। भाइयों बहनों, मंगल पांडे हो या चित्तू पांडे, जयप्रकाश जी हो या स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, इन सब की प्रेरणा बलिया को एक नई पहचान दिलाती है। और पहचान ही नहीं दिलाती है, उससे पहले भी अतीत की ओर जब हम जाते हैं तो बलिया में भृगु बाबा के नाम पर तो बलिया अपनी एक नई पहचान ही बना लेता है। मां गंगा का आशीर्वाद बलिया पर इसी प्रकार से बनी रहे, भृगु बाबा का आशीर्वाद आपके साथ, क्योंकि चुनौती से जूझने का जो जज्बा बलिया का है बना रहे। आज इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं और आपको धन्यवाद देने के लिए भी। देश की संसद में महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा के लिए अधिनियम पारित प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही के नए संसद सत्र में संसद में किया, भवन में किया है। लेकिन बांसडी की जनता को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, 2022 में आपने पहले ही केपी सिंह को अपना विधायक चुन करके भेज दिया था। इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले इसकी शुरुआत कर दी। और अब तो जब परिसीमन होगा 2026 में, परिसीमन के बाद जब विधानसभा और संसद में एक तिहाई सीट 35% सीटों पर
महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी तो बलिया में भी सीटें बढ़ेंगी और बलिया से भी अब केतकी सिंघी के साथ साथ तमाम अन्य बहनों को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा और देश की संसद में चुन करके जाने का एक अवसर प्राप्त हुआ होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक नए भारत का दर्शन हम सबको हो रहा है। एक नया भारत, जिस भारत में सुरक्षा है, जिस भारत में स्वाभिमान है, जिस भारत में सम्मान है, जिस भारत में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं और समाज के हर तबके को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कोई सोचता था कि गरीब को भी शौचालय मिलेगा, ये शौचालय बीमारी को तो दूर करता ही है, लेकिन ये शौचालय उससे भी महत्वपूर्ण हमारी माताओं, बहनों की, बेटियों की, गरिमा की रक्षा करने का एक माध्यम भी बनेगा। यह पहली बार हुआ है, धुएं से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहली बार फ्री में मिलना प्रारंभ हुआ और अब मैं बधाई देता हूं, दीपावली में एक सिलेंडर हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश की बहनों को फ्री में देने जा रहे हैं। एक फ्री में आंख की रोशनी बनी रहेगी तो जान है जहान है, दृष्टि है तो सृष्टि है, और उस सृष्टि को देखने के लिए लंबे समय तक हमारी आंखें हमारा साथ दे, इसके लिए धुएं से मुक्ति व्यवस्था हम सब देने के लिए संकल्पित हैं। गरीब को आवास मिल जाए, जिस जमीन पर मकान है उस जमीन का अधिकार मिल जाए, जिस स्ट्रीट वेंडर को सम्मान मिल जाए, चाहे वह पीएम स्वामित्व योजना हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि योजना, ये सभी योजनाओं के साथ साथ 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी हम लोग प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। जनधन अकाउंट से यात्रा प्रारंभ हुई और आज एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। एक ओर इन योजनाओं का लाभ और दूसरी तरफ बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक ये राशि 15,000 की थी, इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के 1 वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6वीं कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे, अब नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी शादी ब्याह के योग्य हो गई तो बेटी को 51,000 रुपए मुख्यमंत्री स्वामी विवाह योजना में देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकार के स्तर पर लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ही मजबूती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।